फ्रूट निबलर आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और बहुत सारे ब्रांड्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, तो हमसे लोग पूछते हैं कि कौन से ब्रांड का फ्रूट निबलर अच्छा होगा। कोई भी ब्रांड का अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये आसान तो दिखता है आपको कि एक फ्रूट को काट के उसके अंदर डाल के आप बच्चे को दे सकते हैं, चोकिंग हजार्ड, बच्चे के गले में नहीं अटकेगा, बच्चा खुद ब खुद खा के बैठेगा, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा उसका कुछ अगला खाना बनाने के लिए या कुछ काम करने के लिए। बट डेफिनेटली आपको ये सोचना है कि ये बने होते हैं सिलिकॉन या प्लास्टिक से, तो बच्चा चबाएगा तो क्या चबाएगा, और चबाने से उसे मिलेगा तो क्या सिर्फ रस, फाइबर का क्या? उसमें जो फाइबर होता है वही उनके डाइजेशन के लिए बहुत बेहतर होता है, ना कि सिर्फ जूस। जूस बच्चों के लिए अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, और बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या फल है, कैसा दिखता है, कैसा महसूस कर सकते हैं हमें, डिफ्रेंसिएशन उन्हें पता नहीं चलेगा। और अभी देखिए, ये फ्रूट निबलर होता है बहुत ऑड शेप वाला, उसे क्लीन कैसे करेंगे आप? अगर ठीक तरह से क्लीन नहीं करेंगे तो अनहाइजीनिक बैक्टीरिया, वायरस सब प्रॉब्लम सब इकट्ठे लेके आके बच्चे को और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, और बाद में जाके आप कोसेंगे अपने आप को कि आपका बच्चा फल डायरेक्टली नहीं खा रहा है, क्योंकि कितने दिन तक बच्चा निबलर से खाएगा, है ना? बाद में तो उसे फ्रूट पीसेस उठा के खाना है, तो सॉफ्ट वाले फ्रूट शुरू से दीजिएगा, हाथों में लेके वो खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जब बड़े हो जाएं तो जो टफ फ्रूट्स है वो भी दे सकते हैं, और प्यूरी की तरह इनिशियल डेज में दें वो भी बेहतर है, क्योंकि उसमें फाइबर और जूस दोनों मिलके रहता है ना।